भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 480 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में उस्मान ख्वाजा ने 180 रन की पारी खेली। इसके अलावा कैमरून ग्रीन के 114 रन की बदौलत टीम 480 के स्कोर तक पहुंची। भारत के सामने पहली पारी में ही बड़ा लक्ष्य था। टीम के लिए शुरुआत रोहित शर्मा ने की, शुभमन गिल के साथ एक अच्छी साझेदारी हुई। शुभमन गिल ने पहली पारी में भारत के लिए शतक लगाया और 128 रन की पारी खेली। इसके अलावा भारत के लिए कमाल की और ऐतिहासिक बल्लेबाजी विराट कोहली ने की। विराट कोहली ने 364 गेंदों का सामना करते हुए 186 रन का स्कोर लगाया। इसके अलावा टीम इंडिया के लिए लोअर मिडल ऑर्डर में कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल ने भी किया। अक्षर पटेल की बात करें तो 79 रन की पारी के दौरान अक्षर पटेल ने चौके छक्कों की बरसात की। बहरहाल इन सभी के बीच टीम इंडिया के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी हो गया। दरअसल आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो आज तक कभी नहीं हो पाया है। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अर्धशतकीय साझेदारी की, जो कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। इसके अलावा बात करें अगर दूसरे विकेट की साझेदारी की तो पुजारा और गिल के बीच में भी एक शतकीय साझेदारी हुई और दोनों ने 248 गेंदों में 113 रन जोड़े। इसके बाद टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भी 64 रन की साझेदारी की। 170 गेंदों में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 164 रन भारत के लिए जोड़े। पांचवें विकेट के लिए भारत के लिए श्रीकर भरत ने 88 गेंदों में 44 रन की पारी खेलकर विराट कोहली के साथ 180 गेंदों में 84 रन की साझेदारी की। इसके बाद विराट कोहली ने अक्षर पटेल के साथ छठे विकेट के लिए आतिशी अंदाज में 162 रन की साझेदारी की। दोनों खिलाड़ियों के बीच 215 गेंदों में 162 रन की साझेदारी हुई और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि टीम इंडिया के लिए लगातार शतकीय और अर्धशतकीय साझेदारियाँ हुई। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया और टीम इंडिया के लिए तमाम बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 91 रनों की लीड हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चौथे दिन जब बल्लेबाजी की तो टीम 6 ओवर में 3 बनाकर के 88 रन पीछे रही। बहरहाल पांचवें दिन का खेल बाकी है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मुकाबला ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वर इंडिया। नमस्कार।